पापा जय श्री राम, जय श्री राम, माँ चुदेगी तुम्हारी। भाई साहब, इंसान के जान का कोई वैल्यू रहा ही नहीं, मतलब कोई भी कुछ भी कर दे, जब चाहे जिधर चाहे उनको पीट देती है। जय एसआर का नारा लगाकर जबरन किसी को भी पीटा जाता है, ऐसी एक फुटेज निकल के आ रहा है दिल्ली से, फारूक नाम के एक व्यक्ति को लिंचिंग करने की कोशिश बजरंग दल की तरफ से। दरअसल बात ऐसा है, ये फारूक नाम का व्यक्ति एक ड्राइवर है जो गाजीपुर मंडी से गोश्त लेकर स्लॉटर हाउस लेके जा रहा था और रास्ते पे इनको मिल गया बजरंग दल के गुंडे। वीडियो देखे पहले आप। पापा जय श्री राम, जय श्री राम, माँ चुदेगी तुम्हारी, हमारी तुम्हारी चुदेगी, बोलो माँ चुदेगी, सुरोगी सुरोगी सोरो हां बहन का लोड़ा है। देख लिया ना किस तरीके से इनकी पिटाई करी जा रही है, और ये बंदा बता रहा है कि मैं कमजोर हूँ भाई, मुझे इतना मत मारो, फिर भी इनको मारा जा रहा है। किस लिए? एक गोश्त के लिए, और गोश्त ये लेके जा रहा है तो इनकी क्या गलती है भाई? ये तो ड्राइवर है, इनकी गाड़ी में जो चीज लोड कर दिया जाता है इनका काम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो इनकी गलती है क्या जो इनको इतनी बुरी तरीके से इनकी पिटाई करी जाती है? अगर ये सच में गुंडे है ना, अगर ये सच में कहीं के दादा है ना, तो जहां पे ये गोश्त पार्सल किया है ना, जहां पे लोड किया है ना, जो ये काट रहा है ना गोश्त, जो काट रहा है ना, जहां पे बन रहा है ना, वहां पे जाके गुंडागर्दी दिखाओ ना। एक निहत्ते इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा होता है, सामान लेके जा रहा होता है, ऐसे लोगों को तुम घेर कर एक व्यक्ति को सता रहे हो, उनको पिटाई कर रहे हो, तो तुम क्या ताकतवर कहलाओगे? नहीं, ये बुजदिली है, ये बुजदिली है कि दो चार लोग मिलकर एक निहत्ते लोगों के साथ, एक कमजोर व्यक्ति के साथ हम पिटाई करते हैं ना, उनको पीटते हैं ना, तो ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम कमजोर हो। अगर सच में तुम्हें दादागिरी दिखाना ना, तो जहां पे गोश्त बन रहा होता है ना, वहां पे जाकर दादागिरी दिखाओ, लेकिन तुम्हें दादागिरी दिखाना नहीं है, तुम्हें गोश्त पकड़ना नहीं, वो तो एक बहाना है भाई, वो तो एक बहाना है। दरअसल इनको क्या करना है कि ड्राइवर का पूंजी छीनना है, ड्राइवर का मोबाइल छीनना है, उनके पॉकेट में जो पैसा रहता है ना वो छीनना है, और ये छीनकर ही ये लोग पैसा कमाते हैं और एक बहाना दे देते हैं। जय एसआर का नारा लगाकर ये गुनाहों को माफ करवा लेते हैं और एक बहाना दे देते हैं कि ये गोश्त एक देश से एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जा रहा था, तो हमने गोश्त तस्करी को पकड़ा है, ये एक बहाना होता है। दरअसल बात ऐसा है कि उनको मोबाइल ही छीनना है, ड्राइवर के पास 10-20 हजार रुपया आराम से होता ही होता है, तो उसे पूंजी छीनना रहता है, पैसा छीनना रहता है, मोबाइल छीनना रहता है, और बहाना देते हैं गांव तस्करी का, ये बहाना देते हैं। तो एक निहत्ते व्यक्ति को किस तरीके से मारा गया, बाकी आपकी क्या है राय, अपना राय विचार वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर दे, और इस वीडियो को खूब दबाकर शेयर कर दे ताकि लोगों को पता चल जाए, ताकि ड्राइवर होशियार हो जाए कि कोई भी ऐसा चीज आपने गाड़ी में लोड कर रहे हैं ना तो ना करे, क्योंकि आगे तुम्हें गुंडा से मुलाकात होने वाला है, बजरंग दल वाले हर बॉर्डर पे घूमते रहते हैं। तो ड्राइवर तक ये वीडियो को खूब शेयर करें कि तुम्हारे ट्रक में, तुम्हारे गाड़ी में छोटा हाथी भी हो या बड़ी गाड़ी चला रहे हो, कोई भी गाड़ी चला रहे हो ना लोडिंग वाला, तो थोड़ा होशियार हो जाओ। आपको ये जानना पड़ेगा, ये पूछना पड़ेगा कि आपके ट्रक में क्या लोडिंग हो रहा है, क्या लेके जा रहे हो ना, इस पे आपको नजर रखना पड़ेगा और आपको होशियार रहना पड़ेगा ताकि आपके साथ इस तरीके का मारपीट ना हो कि जहां कहीं भी रोक कर जय एसआर का नारा लगाकर तुम्हारे साथ पीटा जाएगा और कुछ ऐसा चीज पाया जाएगा ना, तो अलग तरीके का एक और मामला बन जाएगा। तो आपको हर टाइम रहना पड़ेगा होशियार और अलर्ट। इस वीडियो को खूब दबाकर शेयर कर दो।